चीन में कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 को और भी खतरनाक बताया जा रहा है। इसको लेकर पूरी दुनिया के लोग दोबारा से डरे हुए हैं। देश में कहीं लॉकडाउन की स्थिति फिर से ना बन जाए, इसलिए पहले से ही प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं। वहीं नोएडा में लोग फिलहाल बूस्टर डोज लगवाने के लिए जिला अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं CMO का कहना है कि जब वैक्सीन आएगी तब भी सभी को लगाई जाएगी। वहीं नोएडा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल में लंबे समय तक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाती थी, लेकिन फिलहाल ये टीकाकरण सेंटर रैन बसेरा में तब्दील हो गया है। कोविड की तीसरी लहर को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है, इसलिए जिला अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाने पहुंच रहे हैं लोग। गौतम बुद्ध नगर जिले के CMO सुनील शर्मा ने बातचीत में बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। कोविड को लेकर के क्या गाइडलाइन सरकार ने तय की हैं और आपकी क्या तैयारियां हैं? कुछ गाइडलाइन आई है जिसके अंदर टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो पॉजिटिव निकलता है उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा गया है, और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब हमारे जिम्स मेडिकल कॉलेज है। हम इस वाले किस्मत वाले हैं कि हमारे पास ये पास में लैब है, तो ये करेंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी तो हमारी कभी कम हुई नहीं। हम तब से उसी पेस पर उसी रफ्तार से उसी तैयारी के साथ हैं।